तो कई कमेंटर कर रहे हैं भोले बाबा की नगरी महाकाल की नगरी उज्जैन। आप सामने देख रहे हो इसका गेट है। आप देख सकते हो रोड एकदम जबरदस्त एंड दिस इज इंदौर का एयरपोर्ट है यहाँ पे। और लेफ्ट साइड में ये दीवार जो दिख रही है आपको उस तरफ एरोड्रोम है यानी एयरपोर्ट। यहाँ से उज्जैन महाकाल का डिस्टेंस अराउंड 50 किलोमीटर है। सो मेरे अंदाजे से एक घंटा तो आइडियल टाइम है, बट आई एम कंसिडरिंग द रोड कंडीशन जो भी है और आधा घंटा इसमें जोड़ देंगे तो पहुंच सकते हैं। काफी लेट हो गया हमको निकलते। सो गाइस अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, इसे रिंग रोड कहते हैं, बट वॉट एवर इट इज, मतलब रोड्स वगैरह काफी अच्छे हैं। इवन इंटीरियर के जो हम कल घूम रहे थे, थोड़ा सा ट्रैफिक सेंस आ गया ना लोगों में, तो इट्स नथिंग लाइक दैट। And it's always the people who make the city. It's not the city who make the people. तो चलो चलते हैं आगे। उज्जैन पहुंचना है, भोले बाबा के दर्शन लेने हैं महाकाल के। तब देखो कैसे अपनी मस्ती में जा रहे हैं अभी, उनका देखो ये कैसे भी इधर उधर उधर उछल कूद करेंगे, आप देखते रहिए अभी। हाँ पंडित लग रहे हैं लेकिन काम पंडित के नहीं है, काम तो शैतान की तरह ही है। तो कई कमेंटर कर रहे हैं भोले बाबा की नगरी महाकाल की नगरी उज्जैन। आप सामने देख रहे हो इसका गेट है, तो अभी देखते हैं यहाँ से कैसे जाना है। सो गाइस उज्जैन सिटी में हम एंटर कर चुके हैं। ये आप देख सकते हो आगे यहाँ पे बोर्ड लिखा है 24 कंबा माता मंदिर 1 किलोमीटर, महाकालेश्वर 1 किलोमीटर, रामघाट 1.5, उज्जैन रेलवे स्टेशन 0.5। तो आगे से हमको राइट लेना है और ये राइट में ये जो गेट दिख रहा है इसी गेट से हमको एंटर करना पड़ेगा। यार यहाँ पे भी सेम हालत है, लोग है ना कहीं से भी आ रहे हैं, अभी सिग्नल हमारे है फिर भी उन लोग आ रहे हैं। ओके तो शुरू हो गई है भीड़, दोनों तरफ रास्ते के खचाखच भरे हुए दुकानें हैं, दुकानों के साथ उनकी खरीदार है और उसके साथ गाड़ियां पार्क है और उसी में से हम गुजर रहे हैं। ये जो है ये शिप्रा नदी है। तो अभी हम काल भैरव जा रहे हैं, जैसे आपको मालूम है कि काल भैरव को शिव जी का द्वार पर कहा जाता है। तो जब भी आप शिव जी का स्थान जाते हो, किसी भी जाओ बनारस जाओ कोई भी जाओ, तो पहले काल भैरव के दर्शन लेने चाहिए। उनके परमिशन के बिना आपको शिव जी की नगरी में एंट्री नहीं होती है। तो अभी हम जा रहे हैं काल भैरव। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं काल भैरव मंदिर उज्जैन में, तो काल भैरव के दर्शन लेंगे, बाद में महाकाल के दर्शन लेंगे। काफी भीड़ है देख सकते हो। अभी
गाइस ये है मंगलनाथ घाट, ये शिप्रा नदी पे बना हुआ है और ये पीछे जो दिख रहा है ये मंगल ग्रह का मंदिर है और इसी के बगल में ये घाट है। So guys, बहुत जद्दोजहद के बाद एक पार्किंग मिली, पार्किंग तक हम पहुंचे और अभी हम जा रहे हैं महाकालेश्वर के दर्शन के लिए। हर हर महादेव। दोस्तों दर्शन हो चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए हमारे और अभी हम मंदिर के बाहर आ गए हैं महाकालेश्वर के, और जूते स्टैंड से जूते लेके, मोबाइल से मोबाइल लेके अभी हम जा रहे हैं कॉरिडोर की तरफ। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए, मतलब ऐसा लगा कि भाई कितने दिनों की जो हमारी प्रतीक्षा थी महाकाल के दर्शन करने की वो बहुत पूरी हो गई है। तो चलो अभी हम यहाँ से कॉरिडोर चलते हैं, फिर मैं वहाँ के नज़ारे आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो ये कितना भव्य है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और जितना ये भव्य है उतनी भव्य भीड़ है। वो भी आज सैटरडे है, अगर संडे को तो कल बहुत ज़्यादा होगा। चलो हम आगे चल के आपको दिखाते हैं। Thank you.
तो गाइस ये इतना बड़ा है कि कम से कम 3-4 घंटे तो लगेंगे अगर अच्छी तरह से देखना है। यहाँ पे म्यूज़ियम वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास वक्त थोड़ा कम है और हमें जाना है इंदौर, विच इज़ 50 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा होगा इसके लिए मैं इसको बीच बीच में कट करूँगा। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, हर हर महादेव।